कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि व भारी बारिश से प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में सेब की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह सेब की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। सेब के पेड़ गिरने के साथ हेलनेट भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। राठौर ने कहा कि सेब, लीची व अन्य फलों के हजारों पेड़ टूट गए हैं। इस बेमौसमी बर्फबारी व ओलावृष्टि से न केवल फलों को नुकसान हुआ है, बल्कि गेहूं व अन्य फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे समय में किसानों और बागवानों को इस नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक मदद की बहुत ज़रूरत है, जो उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार को नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र के समक्ष यह मामला उठाना चाहिए और विशेष राहत पैकेज देने की मांग की जानी चाहिए। राठौर ने कहा कि कोरोना के चलते वैसे ही लोग परेशान हैं, लोगों के कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। ऐसे में बागवानी से लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन इस बार ओलावृष्टि और बर्फबारी ने बागवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और बागवानों के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। ऐसे में सरकार को इन बागवानों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ स्वयं गया हूँ और मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बेमौसमी बर्फबारी के कारण कई स्थानों पे तो लोगों के बगीचे जो है बिल्कुल नष्ट हो गए, जो पेड़ हैं वो जड़ों से उखड़ गए हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। ऐसे में जो है किसानों और बागवानों को मदद की दरकार है। जो हमारा निचला क्षेत्र है वहाँ गेहूँ की फसलें जो है बर्बाद होगी। पिछले कल मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिला, मेरे साथ हमारे पार्टी के जो विधायक हैं मोहनलाल ब्राक्टा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशवंत शास्त्री जी और पार्टी के हमारे कुछ पदाधिकारी मेरे साथ थे। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा और उनसे उनको हमने वस्तु स्थिति से अवगत कराया। हमने ज्ञापन के जरिए सरकार से मांग की कि एक तो फौरी राहत देने की ज़रूरत है, दूसरा क्योंकि लोगों के तो बगीचे ही नष्ट हो गए हैं, अब दोबारा से उन बगीचों को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है, इसलिए जो है केंद्र से मदद की ज़रूरत है। ये एक स्पेशल पैकेज जो है केंद्र सरकार हिमाचल को दे। उसके अलावा जो बैंकों से केसीसी के अंतर्गत जो बैंकों से लोन लिए हैं उनकी जो इंटरेस्ट है वो माफ़ करने की ज़रूरत है। और HPMC में जो किसानों का बकाया है वो भी जो है किसानों को वापस जो है किसानों को जल्दी से जल्दी जो है मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि वो पूरे मामले को जो है गंभीरता से वो ले रहे हैं और इस पे कार्रवाई करेंगे। तो हमें आशा है कि मुख्यमंत्री जी जो स्वयं ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ बागवानी होती है वो कार्रवाई करेंगे और जो गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई हैं किसानों की उन्हें भी राहत जो है मिलने की उम्मीद है।